हमीरपुर शहर में आज सुबह हुई बारिश से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बारिश होने के कारण तापमान में भी बदलाव आया है और गर्मी से काफी राहत मिली। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से जिला में गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ था और सड़कों के अलावा घरों में पंखे की हवा भी आग फेंक रही थी। बारिश होने से लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं हमीरपुर शहर के नजदीक क्षेत्रों में हुई बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसानों को भी इसका लाभ मिलने की आस जगी है। लोगों का कहना है कि बारिश होने से गर्मी से काफी राहत मिली है। बारिश होने से ज्यादा खुशी किसानों को होगी क्योंकि उन्होंने अपने खेतों में कई तरह के बीज बोए हैं। बारिश होने से उनकी फसलों में काफी बढ़ोतरी होगी। वहीं सुरेश बजाज का कहना है कि बारिश होने से बहुत खुशी हुई है। उन्होंने बताया कि बारिश न होने से लोग बेहद परेशान थे, अब बारिश होने से लोगों और किसानों में खुशी की लहर है और बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। करना चाहता हूं कि आज जो बारिश का मौसम और मानसून की दस्तक हमीरपुर में हुई है, इससे किसानों को भारी मात्रा में लाभ मिलेगा। जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही थी, जिससे क्षेत्रीय अस्पताल में जो है लोगों का तांता लगा हुआ था, उससे भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मैं इसको एक किसानों के लिए बहुत ही उन्नत किस्म के, मतलब जो बीज लोगों ने तरह तरह के लिए हुए थे, उनके लिए जो है वो खुशी की लहर है। भगवान करे कि उनकी फसलें अच्छी हों और भगवान इसी तरह से बारिश समय समय पर करे। बीमारियाँ थी उनमें बहुत राहत मिलने वाली है। बारिश जो आज बारिश है उसके जो खुशी है वो ज़्यादातर वैसे तो हर एक कोई खुशी है क्योंकि गर्मी से निजात मिली है बारिश से। सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो किसान भाइयों को है जिन्होंने हर तरह के बीज बोए हुए हैं कि कब बारिश हो और कब हमारे बीज निकलेंगे और हम सब्जी वगैरह जो देसी जो खाते हैं बिकती है। ये मतलब कुल मिला के बारिश से सभी को फ़ायदा है, ज़्यादातर किसान भाइयों को बहुत ही फायदा है। बड़ी खुश मजाक है, बारिश से जो है ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, गर्मी दूर हुई है। आजकल गर्मी से इतनी परेशानी थी, हर बच्चा बूढ़ा बड़ा सब परेशान था और जब ये बारिश हुई है तो इससे सारे प्रदेश में खुशहाली छाई हुई है और इससे हेल्थ के लिए भी, जैसे बीमारियों का है तो ये बारिश करके वो दूर रहती हैं, भागती हैं, तो इससे मतलब है कि बारिश करके सारा प्रदेश खुशहाली में है।